क्या नाम है सर आपका? जी मैं दिनेश दत्ता एडवोकेट, जिले का कांग्रेस का उपाध्यक्ष हूँ। आज आप कलेक्टर ऑफिस आए हैं, क्या किस संबंध में आए हैं आज? हम इस संबंध में आए हैं कि जो 38% बजट इस बजट सत्र में 2023-24 के लिए जो वित्त मंत्री ने घटाया है, जिससे अल्पसंख्यक लोगों को और छात्रों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। तमाम तरह की छात्रवृत्तियाँ और तमाम तरह के मदरसों में जो शिक्षा दी जाती है, उन सब के खिलाफ मोदी सरकार एक मुहिम चला रही है, जिसके तहत इस तरह से बजट में कटौती की गई है। और उसी के तारतम्य में आज हम एक ज्ञापन पत्र जिला अधिकारी के माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदय को, राष्ट्रपति महोदय को भेजना चाहते थे, लेकिन जिला अधिकारी की अनुपस्थिति में सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ये ज्ञापन हमने सौंप दिया है। और इस ज्ञापन के माध्यम से हम उनसे मांग कर रहे हैं, भारत सरकार से और राष्ट्रपति महोदय से, कि वो अब इस बात को संज्ञान में लें और जिस तरीके से अल्पसंख्यक वर्ग का जो कटौती की गई है बजट में, उसको सुधारा जाए और जो अल्पसंख्यक विरोधी जो नीति है भारतीय जनता पार्टी की, माननीय नरेंद्र मोदी जी की, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, कार्रवाई की जाए और बजट की जो कटौती है उसे पूरा किया जाए, ताकि जो अल्पसंख्यक छात्र हैं तमाम लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। मेरा नाम आसिफ अली है, मैं अल्पसंख्यक कांग्रेस का जिलाध्यक्ष हूँ बरेली से। क्या माने हैं आपने ज्ञापन सौंपा है? हमने जो ज्ञापन सौंपा है, जो ये बजट पेश किया गया है, अब आया है 2022-23 का बजट जो है, इसमें जो अल्पसंख्यक विरोधी नीतियाँ सामने जो आ रही हैं भाजपा, बस इसके विरोध में हमने महामहिम जी को, राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दे रहे हैं जिला अधिकारी द्वारा, और हम मांग कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक के साथ ये ऐसा दुर्व्यवहार ना किया जाए, क्योंकि आपका नारा था सबका साथ सबका विकास, तो उसको लेकर चलिए आप, ना कि अल्पसंख्यकों को दुख पहुँचाइए। अदर जो बजट था वो उससे भी आप कम करते आ रहे हैं बढ़ाने की वजह, तो आपकी मांगें पूरी नहीं होती, क्या करेंगे फिर आप? अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो हम अल्पसंख्यक छात्रों के साथ धरना प्रदर्शन करेंगे और सड़कों पर उतरेंगे। ठीक है, किस संबंध में आए हैं आप लोग? जी हम लोग इस संबंध में आए हैं जो अल्पसंख्यक छात्रों के लिए, अल्पसंख्यक मामलों में जो छात्रवृत्ति दी जाती थी और तरह और